कांग्रेस नेता शेख हुसैन पीएम मोदी को खुली धमकी देते हुए नजर आए हैं। बता दें कि जब हुसैन देश के प्रधानमंत्री के लिए विवादित बयान दे रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के कुछ नेता ताली बजा रहे थे। पीएम को लेकर दिए गए विवादित बयान के आरोप में शेख हुसैन पर नागपुर में FIR दर्ज कराई गई है। हालांकि अब हुसैन ने सफाई देते हुए कहा है कि मैंने भावनाओं में बहकर ऐसा बयान दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस बयान से कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। कांग्रेस के दो मंत्रियों के सामने पीएम मोदी को गाली दी गई। कांग्रेस घटिया और निचले स्तर पर उतर आई है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के लोग हिंसक हो गए हैं और अब तो ये पीएम तक को मारने की धमकी दे रहे हैं। आखिर कैसे ये महात्मा गांधी के नाम पर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं? वही हाल होगा, क्या बोलेंगे? वहीं शेख हुसैन ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि पीएम 100 साल तक जिए। एक टीवी न्यूज चैनल में उन्होंने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ मुहावरा बोला था, वह तो चाहते हैं कि मोदी 100 साल तक जिए। विवादित टिप्पणी मामले में शेख हुसैन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।